हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। तो आज मैं जा रहा हूँ कहाँ, तो वो आपको आगे चल कर वीडियो में पता लग जाएगा। तो अभी मुझे थोड़ा सा जुकाम हो गया है और अभी हमारे साथ जो है वो शख्स जो पिछले ब्लॉग में शर्मा था, तो वो आज उसका थोड़ी मतलब उसकी शर्म हटी है, तो आज बोला मैं आ जाऊंगा, आज नहीं शर्माऊंगा मैं। तो काफ़ी अच्छा, तो चलते हैं। अभी हम मेन मार्केट से ऊपर पहुंच चुके हैं। गाइस अभी मार्केट में पहुंच गए हम और पीछे आप एक हमारा दोस्त है, वो भी आ गया। हेलो, कैसे हो? तो अभी हम ले आए हैं थोड़ा टी शर्ट, मतलब टी शर्ट देखेंगे, अच्छी लगती है तो ले लेंगे। अभी हमने ले लिया है, आप देख सकते हैं हमें, और वहाँ भी काफ़ी है और अंदर अभी मतलब बंदे लोग हैं, तो फिर अभी हम जाएंगे थोड़ी देर के बाद। तो गाइस अभी हम ट्रायल रूम में आ गए हैं और टी शर्ट देखेंगे, अभी हम तीन घुस गए। तो गाइस आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा लुक लग रहा है, अभी देख सकते हो आप। और इसने भी ली थी पर इसको छोटी हुई है एक, और इसको भी ठीक है मतलब, और मेरे को तो अभी लूज है थोड़ी। और अभी देखते हैं क्या बनता है, फिर थोड़ा घूमते हैं, फिर ठीक नहीं लग रहा कुछ तो। सो गाइस अभी इसको चाहिए जूते जूते ढूंढ रहा है बंदा। और यहाँ चौथा बंदा भी आ चुका है, हेलो, ये भी ब्लॉगर है। तो आमने सामने ब्लॉगिंग हो रही है बहुत अच्छी तरह। और ये पहाड़ी ब्लॉगर है और देख सकते हैं आप अभी इसकी ब्लॉगिंग चली हुई है और ये भी ब्लॉगिंग बना रहा है। दो तीन ब्लॉग आ चुके हैं इसके चैनल में, तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लो। और इसके चैनल का नाम है पहाड़ी ब्लॉगर, तो जल्दी से आके इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और गाइस विशाल मेगावाट का ये दूसरा फ्लोर है नीचे, तो काफ़ी क्राउड है इधर, मैं ब्लॉगिंग कर नहीं पा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं काफ़ी पूरा सामान होता है इधर। और यहाँ हम भटक रहे हैं, एक दोस्त अपने धुन में घूम रहा है वहाँ यहाँ वहाँ। और यहाँ आप देख सकते हैं ये भी ब्लॉगर बना हुआ है, ब्लॉगिंग कर रहे हैं सारे ही। यस शाहरुख खान, यो ब्रो बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, तू मुंबई में चला जा, हीरो बन तू यार, ये ब्लॉगिंग में क्या रखा तेरा यार। रुको जरा, सबर करो, यहाँ चीज ने फेंक दिया चश्मा। तो गाइस अंदर बहुत क्राउड है और ब्लॉगिंग करना तो बड़ी दूर की बात है, इसलिए देखो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्राउड है, तो ब्लॉगिंग करना मुश्किल सा हो जाता है। One eternity later. तो गाइस अभी चारों बंदे हम जा रहे हैं बस स्टैंड, और बस स्टैंड में घूमते फिरते फिर चलते हैं। गाइस अभी हम पहुँच गए हैं बस स्टैंड में, चलते अंदर। सो गाइस इस बंदे को मैंने ब्लॉगिंग करने के लिए दे दी थी, काफ़ी अच्छा कर रहा है बंदा, तुम हो सकते हो, बन सकते हो ब्लॉगर, इसमें चले जाए तो भी अच्छा रहेगा। तो भाई जैसा कि यहाँ पर बसें ही बसें हैं और यहाँ पर परेशान हो गए हम कि कौन सी बस में जाएं। ये वैसे तो ये भी आ रही है मनाली पालनपुर पठानकोट, इसमें चले जाए तो भी अच्छा रहेगा हमें। ये आ रही है
गाइस अभी बस स्टैंड के पार्क में आ चुके हैं अभी हम, और इधर थोड़ी देर बैठते हैं और फिर देखते सोचते हैं क्या कहाँ जाना है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये बच्चा यहाँ झूला झूट रहा है बच्चे को झूला जुटाया जा रहा है A few moments later. कैसा लग रहा है, क्या क्या फील हो रहा है आपको? बहुत ही घटिया। कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत ही घटिया। तो गाइस आप कहीं भी जाना चाहो, अगर पालमपुर आते हो आप, तो आपको यहाँ से मतलब जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, मनाली, कुल्लू, जहाँ भी आप जाना चाहोगे तो इधर से बस ले सकते हो आप। तो ये यहाँ का बस स्टैंड है पालमपुर का, तो काफ़ी अच्छा। और यहाँ भी ब्लॉगिंग चली हुई है बंदों की, और वहाँ पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं बंदे। गाइस यहाँ क्राउड ज़्यादा है, फिर ब्लॉगिंग होती नहीं इसी वजह से, तो अभी देखते हैं क्या बनता है। सो गाइस आप इस बस को देख पा रहे होंगे, तो इसे मेरे पापा जी चलाते हैं पालमपुर टू दिल्ली, तो बेस्ट एक्सपीरियंस के साथ, और वोल्वो बस ड्राइवर हैं। तो गाइस अभी निकलते हैं इधर से, और भूख लगी है तो देखते हैं कुछ खाने को मिलेगा। वैसे मिलने को क्या है बाजार है, बाजार में सब कुछ मिल जाएगा, तो देखते हैं अभी क्या बनता है। फिर इनसे पूछते हैं, अगर मिलेगा कुछ तो खा लेंगे, और नहीं तो फिर घर में खाएंगे। इधर अभी हमारा प्लान हुआ है कि घर में ही खाएंगे, तो इधर नहीं, तो चलिए चलते हैं। अब थोड़ा सा सामान भी लेना है, उससे भी लेते हैं और चलते हैं। तो गाइस अभी हम होलिकला मंच में बैठे हैं, तो यहाँ एक बंदा वो नितिन इसका नाम, और दूसरा बंदा रितेश, तो सारे बैठे हुए हैं होलिकला मंच में। यहाँ हम थोड़ी देर बैठेंगे और टैक्सी का इंतजार करेंगे, फिर घर पे जाएंगे हम। सो गाइस तो अभी मैं घर में पहुँच गया हूँ, और अपने सभी फ्रेंड अपने घर चले गए, और आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी कटिंग करवा दी, और मतलब बाल काफ़ी बड़े हो गए थे, तो वो भी करवा ली कटिंग, और फिर मैं घर आ गया था। फिर उसके बाद मैंने ब्लॉग नहीं किया, तो अभी इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और हाँ शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा है आपको ये ब्लॉग, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ का माहौल, यहाँ पर कुछ ज़्यादा मतलब ये नहीं है, यहाँ पर देखो कुत्ते भी कितने आराम से बैठे हुए हैं।